चलिए फ्रेंड्स हम आगे पढ़ते हैं। हम चेंज ऑफ टेंस पढ़ लिए, चेंज ऑफ पर्सन पढ़ लिए। अब अगला टॉपिक देखिए, यहाँ पे तीसरा टॉपिक है क्या चीज, चेंज ऑफ अदर्स। चेंज ऑफ अदर्स पढ़ेंगे हम। अदर्स में कुछ चेंजेस होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। जैसे देखिए यहाँ सेंटेंस दिया है, अगर क्या ये को दिया है तो बिफोर में चेंज करेंगे, दिस को डैट में चेंज करेंगे, कम को गो में, दीज को दोज में, दस को सो में, हैंस को देंस में, टू नाइट को डैट नाइट, टुडे को डैट डे में, हियर को देयर में, टुमारो को द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे, एस्टरडे को द डे बिफोर या द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट। देखिए यहाँ पे क्या है, लास्ट नाइट वीक ईयर को द प्रीवियस नाइट वीक ईयर में बदलेंगे, और नेक्स्ट वीक मंथ ईयर को द फॉलोइंग वीक मंथ और ईयर में चेंज करेंगे। बाकी सारे चेंजेस जो होंगे, जो भी चेंज हम पढ़े हैं, आपके पिछले जो रूल्स पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग होंगे। आपका जो चेंज आप टेंस पढ़े हैं, चेंज आप पर्सन पढ़े हैं, सब कुछ वैसे ही होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर दिस दिया है तो डेट में हो जाएगा, उसके बाद से टुमारो दिया है तो दो द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे हो जाएगा, एस्टरडे दिया है तो द डे बिफोर और द प्रीवियस डे हो जाएगा। ऐसे हम चेंज कर देंगे, बाकी कोई चेंजेस अलग से नहीं होगा। एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए ही सेड टू देम है, ही सेड टू देम है आई शैल हेल्प यू नाउ। देखिए तो यहां इसको चेंज करेंगे तो यहां क्या हो गया, ही सेड टू देम है, तो देखिए सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट दिया है तो क्या हो गया, ही टोल्ड देम हो गया, ये डैट लग गया, आई क्या है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग ही यहाँ ही हो गया। और यहाँ देखिए ध्यान देना है आपको, इस बात का ऐसा दे देता है, इसलिए हमने ऐसा लिखा हुआ है। आई के साथ हम क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं, तो शैल लगाते हैं तो यहाँ प्रोनाउन क्या होगा, ही हो गया, तो ही के साथ क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, वुड हो जाएगा, हेल्प आई यू, देखिए सेकेंड पर्सन यहाँ ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो देम ऑलरेडी क्या है ऑब्जेक्टिव फॉर्म दिया था, देम हो गया, और नाउ को हमने क्या कर दिया, देन में चेंज कर दिया। देखिए यहां पे जो भी चेंजेस हुए हैं पिछले रूल के अकॉर्डिंग हुए हैं, बस यहां नाउ को हमने क्या कर दिया, देन में बदल दिया है, यही बस आपको पढ़ना है, यही समझना है। यहां देखिए शी सेड टू मी आई केम हियर यस्टरडे, देखिए शी सेड टू मी आई केम हियर यस्टरडे, देखिए सी टोल्ड मी हो गया, दैट हो गया, आई क्या है फर्स्ट पर्सन, शी के अकॉर्डिंग शी हो जाएगा। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में, हैड होगा कम, और क्या हो रहा है ईयर को देयर में बदल दिए और यस्टरडे को द डे बिफोर में चेंज कर दिए। तो जो भी चेंजेस है अब जैसे कि ईयर को देयर में बदलते हैं, दिस को डेट में बदलते हैं, नाउ को देन में बदलते हैं, ये चेंजेस करते हैं, बाकी जो भी रूल्स होते हैं पिछला जो पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। अब यहाँ देखिए हमने यहाँ ऐसे अलग से किया हुआ है, इसका सेंस थोड़ा, इसका रूल अलग है। अब रूल यहाँ ये है कि अगर दिस है या आपका नाउ है, दिस नाउ हियर का अगर क्या है यूज ऐसे नाउन के साथ हुआ है, इसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग, कि दिस नाउ हियर का यूज ऐसे नाउन के साथ हुआ है जो कहते समय जो कह रहा है वक्ता उसके सामने उपस्थित हो, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं, उसमें कोई चेंजेस हम नहीं करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे राम से चुमी है, दिस इज माय वॉच, तो दिस आप जानते ही हैं, देखिए कह रहा है राम से चुमी, राम ने मुझसे कहा दिस इज माय वॉच, मतलब वो सामने वॉच है, एकदम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ देखिए राम से चुमी, राम मुझसे कह रहा है, किसके बारे में कह रहा है, वॉच के बारे में, और वॉच के एकदम सामने है। रूल भी यही है, रूल हमने क्या बताया, रूल ये बताया कि अगर दिस नाउ हियर का यूज ऐसे नाउन के साथ किया गया हो जो कहते समय क्या हो सामने उपस्थित हो, तो क्या करते हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं, दिस को दिस में ही रहने देते हैं, नाउ को नाउ में ही रहने देते हैं, हियर को हियर में ही रहने देते हैं। इस तरह से कि राम टोल्ड मी डैट हो गया, बाकी चेंजेस करेंगे, दिस का दिस ही हो गया, इसका वास हो गया, माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, पसेसिव फॉर्म में दिया है, राम राम का प्रोनाउन ही होगा, ही का पसेसिव हिज, वॉच हो गया यहाँ पे, ऐसे कर देते हैं। दूसरा देखिए माय फादर सेड टू हिम आई एम ग्लेड टू सी यू हियर, माय फादर सेड टू हिम, मेरे फादर ने उससे कहा कि मैं तुम्हें यहाँ पाकर या तुम्हें देखकर बड़ा खुश हूँ। तो देखिए यहाँ पे बड़ा खुश हूँ, इसका मतलब वो सामने है, इसके इसके लिए कहा जा रहा है, यू के लिए कहा जा रहा है। तो हम क्या बताएं, यदि हियर नाउ या दिस का यूज ऐसे ऐसे व्यक्ति वस्तु के साथ किया गया जो कहते समय उपस्थित हो सामने कहने वाले के, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं, हो गया माय फादर टोल्ड हिम हो गया, डैट हो गया, आई देखिए फादर के अकॉर्डिंग ही हो गया, आई एम का वाज हो गया, ग्लेड हो गया, टू सी यू क्या है हिम के अकॉर्डिंग, तो अब देखिए यहां क्या होगा,
वर्ब के बाद दिया है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही होगा, और हियर का हियर जो होगा इसको देयर में नहीं चेंज करेंगे। इस तरह से इसमें दो रूल आ जाता है। पहला मान लीजिए चेंज ऑफ अदर्स में क्या आ गया, चेंज ऑफ अदर्स में दिस को डेट में, टुडे को डेट डे में, टू नाइट को डेट नाइट में, ऐसे क्या करते हैं हम चेंजेस करते हैं। और दूसरा ये होता है कि अगर दिस नाउ हियर का यूज ऐसे नाउन के साथ किया गया और जो कहते समय कहने वाले के सामने उपस्थित हो तो उसमें कोई चेंजेस हम नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स चेंज ऑफ अदर्स में हम आगे कुछ और रूल्स को देख लेते हैं। यहाँ देखिए लिया है मदर से आई शैल गिव यू पेन राम। इसे अगला रूल ये है कि यदि नाउन है वो क्या दिया, वोकेटिव केस में दिया हुआ है। वोकेटिव केस का सेंस क्या होता है, एड्रेसिंग होता है, जिसके बारे में मतलब एड्रेस किया गया होता है, जिसको लेके कहा गया होता है। देखिए मदर से आई शैल गिव यू अ पेन राम, यहाँ देखिए राम को लेके क्या मदर ने कहा हुआ है। तो अगर जो नाउन है वो किस में दिया, वोकेटिव केस में दिया हुआ है तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। यहाँ देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे राम को दिया जाएगा माय मदर से टू राम हो जाएगा। सीधे सीधे हम चेंज यहाँ कर दिए हैं तो माय मदर से टू राम होगा, तो फिर इसको चेंज करेंगे तो माय मदर टोल्ड राम हो जाएगा, फिर डैड हो गया, आई मदर के अकॉर्डिंग शी हो गया, और अभी बताए हैं कि आई के साथ शैल शी के साथ डी लगाएंगे तो गुड हो जाएगा। गिव यू सेकंड पर्सन राम, यू क्या है वर्ब के बाद दिया है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिया है तो क्या हो जाएगा राम का प्रोनाउन डी होगा और डी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही हो गया पेन हो गया। तो ये देखिए अगला रूल ये है कि यदि नाउन वोकेटिव केस में दिया है तो उसको क्या करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अगला रूल ये है कि यदि सेंटेंस में क्या दिया, नीड नॉट दिया है, अगर सेंटेंस में नीड नॉट दिया है तो उसे चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, नीड नॉट को नीड नॉट में ही रहने देते हैं, बाकी चेंजेस पहले की जैसे ही करते हैं। तो देखिए ही सेड टू हिज सन्स आई डिड नॉट गो देयर नाउ, देखिए ही टोल्ड हिज सन्स हो गया, यहां पे डैट लग गया, आई ही के अकॉर्डिंग ही हो गया, नीड नॉट नहीं रहने दिए, गो देयर और नाउ क्या कर दिया हमने देन में चेंज कर दिया। अगला जैसे देखिए यदि सेंटेंस में वेल डब्ल्यू ई डबल एल वेल या यू सी दोनों दिया हो या दोनों में से कोई एक दिया है एक ही देगा, और देखिए वेल या यू सी देता है तो चेंज करते समय क्या करते हैं उसको हम वाक्य से हटा लेते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता है, चेंज करते समय उसको वाक्य से हटा देते हैं। जैसे माई फादर से वेल मुकेश आई शैल गिव यू अ प्राइस, देखिए यहाँ पे माई फादर टोल्ड, और देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मुकेश हो गया, देखिए माई फादर टोल्ड मुकेश हो गया, डैच हो जाएगा, और आई किसके पास फादर ही हो जाएगा, और फिर आई के साथ शैल लगा तो ही होगा, ही के साथ बिल लगाते हैं वुड हो जाएगा। अब गिव यू, यू क्या है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिया है, मुकेश, मुकेश का प्रोनाउन क्या होगा ही हो जाएगा, अब प्राइस। यहाँ देखिए सारे रूल पिछले जो पढ़े हैं उसी के अकॉर्डिंग होगा, बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस रहते हैं, चेंजेस एक है यहाँ पे कि यदि वेल दिया है या यू सी दिया है, अगर वेल का स्थान में क्या देता है यू सी भी देता तो उसको वाक्य से क्या करते हैं हम हटा देते, ये चेंजेस इसमें करते हैं, बाकी पिछले रूल के अकॉर्डिंग ही चेंज होता है। अगला दिया है यदि देखिए सेंटेंस ऐसा दिया है जिससे क्या होता है अनकंडीशनल का वोट होता है, ऐसा क्यों होता है जैसा हो नहीं सकता, तो अनकंडीशनल जब होता है उसमें क्या करते हैं पास्ट का प्लूरल हम यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जैसे मान लीजिए इफ आई वर चाइल्ड, यदि मैं क्या होता चाइल्ड होता बच्चा होता, इफ आई वर अ बर्ड यदि मैं चिड़िया होता, तो क्या हुआ देखिए आई के साथ वाज लगता है लेकिन हमने वर लगाया हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में भी हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं अगर इस तरह का सेंटेंस दिया है तब। जैसे कि शी सेड है इफ माय कॉलेज वर नियर द हाउस आई वुड ऑलवेज बी इन टाइम, मतलब शी सेड वो ये कहती है कि यदि मेरा क्या होता है कॉलेज जो है ना वो घर के पास होता तो मैं समय से जाती। तो यहाँ देखिए कॉलेज के साथ क्या सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया अनकंडीशनल है, तो यहाँ देखिए शी सेड दैट हो गया, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं करेंगे, बस पर्सन चेंज करेंगे, टेंस में चेंजेस नहीं करेंगे। देखिए शी सेड हो गया दैट इफ हर कॉलेज वर नियर द हाउस शी वुड ऑलवेज बी इन टाइम, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अगला देखिए चेंज ऑफ अदर्स में हम समझ लेते हैं, जैसे अगर सेंटेंस में थैंक यू दिया है तो थैंक यू को थैंक्ड में, होप को होप्ड में, फील को फेल्ड में, किसके स्थान पे रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे हम लिख लेते हैं। अगर सेंटेंस में थैंक यू दिया है तो रिपोर्टिंग वर्ब को थैंक्ड में, होप दिया है तो रिपोर्टिंग वर्ब को होप्ड में, और फील दिया है तो रिपोर्टिंग वर्ब को फेल्ड में चेंज करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए द क्लर्क सेड टू द ऑफिसर थैंक यू सर फॉर योर हेल्प, देखिए
यहाँ दिया है द क्लर्क रिस्पेक्टफुली थैंक यू, हमने रिस्पेक्टफुली इसलिए यहाँ पे यूज कर दिया क्योंकि यहाँ थैंक यू भी दिया है और सर भी दिया है, दो मतलब यहाँ पे क्या पोलाइट वर्ड का यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पे देखिए रिस्पेक्टफुली का प्रूव कर दिया गया है कि द क्लर्क रिस्पेक्टफुली थैंक द ऑफिसर फॉर हिज हेल्प हो गया। He said है, I feel sorry for what I have said. करें he said मतलब वो sorry feel करता है उसने जो कुछ भी कहा उसके लिए, तो यहाँ देखिए क्या हो गया, यहाँ feel को क्या कर दिया reporting verb, he felt sorry for what he had said, देखिए I have said तक I क्या होगा he के according ये he हो जाएगा और have present है तो past had हो जाएगा, said का said ही होगा, ऐसे सिंपल सा है बस आपको ये समझना है, जो भी चेंज आप अदर्स में कुछ अलग से नहीं करने हैं, आप जो पिछले पढ़े उसी के अकॉर्डिंग मतलब चेंज करेंगे, सारे चेंज वैसे ही होंगे, बस क्या होंगे जो रूल्स अलग हैं अदर्स वाले उसी को हम फॉलो करेंगे, बाकी कोई चेंजेस हम नहीं करेंगे। फ्रेंड्स इस तरह से हमने क्या किया, असर्टिव सेंटेंस को पढ़ा, नरेशन के पहले पार्ट को असर्टिव सेंटेंस को कवर किए पढ़े, असर्टिव सेंटेंस में हमने चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ अदर्स को पढ़े, इसके बाद से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कवर करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर कुछ और इसमें जोड़ना चाहते हैं, कुछ और इसमें जानना चाहते हैं तो उसको भी आप बताइए, हम उसको बनाएंगे, उसको आपके सामने लेकर आएंगे उस वीडियो को। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपका दिन शुभ हो।